से खरीद होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे और मजे में होंगे। आज की वीडियो पिछली सीरीज को लेते हुए, सीरीज कौन सी थी जो सीरीज हमारी चल रही है ऐप वर्क के ऊपर, एप्लीकेशन को पब्लिश करने के ऊपर, ये वीडियो उसके रिलेटेड है। और प्रॉपर तरीके का वीडियो पब्लिश करना, सॉरी एप्लीकेशन पब्लिश करने का, एप्लीकेशन किस तरह से पब्लिश करनी है उसके ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। इसमें हमने पहले बना लिया, क्रिएट कर लिया गूगल का, सॉरी गूगल कह रहा हूँ, ऐप वर्क का अकाउंट, उसमें रेफरल कोड लगा के किया ताकि जो रेफरल कोड लगाएगा उसको $5 जो है वो मिल जाएंगे, कहते हैं उसको बोनस कहते हैं, जो रेफरल बोनस का है, ठीक है, वो आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे और आपको बोनस मिल जाएगा। देन आप उसको पे करके गूगल कंसोल का अकाउंट जो वो परचेज करेंगे, जो कि ये ऐप जी हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, हमने जो नया अकाउंट बनाया और इस पर एप्लीकेशन पब्लिश करने का जो तरीक़ाकार है, तो हमने अपना लॉगिन कर लिया फ़ोन नंबर के साथ, फ़ोन नंबर से लॉगिन होता है इसमें आपको अटैच, जैसे सोशल नेटवर्क भी आप करते हो, फेसबुक करो, इंस्टा करो, लिंकडिन करो। और टास्क पे आ गए, हमारा अकाउंट कंफर्म हो गया, उधर का दूसरा जो है गूगल प्ले कंसोल का, जब आईडी वेरिफिकेशन जैसे रह गई थी वो आईडी वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद हमें इन्होंने कहा है कि आपकी वो कन्फर्म हो गई है, अब कंटिन्यू टू टास्क, ठीक है, इन्होंने वेलकम कर दिया। सो पब्लिश ऐप, ये तीन ऐप्स खड़ी हैं तो इनमें से हमने जो है एक ऐप जो है उसको हमने करना है पब्लिश। हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, 2 घंटे का टाइम होगा, टाइमर चलेगा 2 घंटे, लेकिन टास्क जल्दी कंप्लीट होगा, हो जाएगा, लेकिन वो टाइम एक्स्ट्रा देते हैं हमें। और साथ साथ स्टेप बाई स्टेप ये बताते जाएंगे, इधर हमें जो है हर चीज़ खुली हुई मिलेगी। अभी ये देखें, लॉग इन टू योर डेवलपर अकाउंट, इसको लिंक को दबा दें, इसको दबा दें, एक ही बात है, बल्कि यहाँ दबाएँगे तो नेक्स्ट स्टेप का जो ऑप्शन है वो हमारा पॉपअप हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। हम इसको क्लिक किया, नेक्स्ट पे आ गए, ये यहाँ पे हमने आईडी अपनी स्विच कर लें, क्योंकि हमने ये स्विच करके जो हमने अकाउंट बनाया हमने वो यूज़ करना है अपना, जो इधर वेरीफाई करवाया, ठीक है। ये हमारा डेवलपर अकाउंट है, ये ओपन हो गया। अच्छा जी, ये ओपन हो गया, मेन लिस्टिंग स्टोर, मेन स्टोर लिस्टिंग, ये ऑल ऐप्स और क्रिएट ऐप, ये स्टेप बाय स्टेप, ये क्रिएट ऐप, हमने इन पर क्लिक किया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जैसे उन्होंने कहा। इसके बाद यहाँ पे हमने ये लिखना है ऐप डिटेल्स, फुटबॉल, जो भी नाम लिखा हुआ है, यहाँ कॉपी करने का ऑप्शन है, आप इसको ये कॉपी कर लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आके ऐप नेम इसमें डाल देंगे, पेस्ट, सिंपल काम। ये ENGB, ये इंग्लिश कैनेडा, ENCA, इंग्लिश कैनेडा, ENCA, ये वाली लैंग्वेज ये चेंज कर दी। यहाँ पे गेम, गेम पे सेलेक्ट कर दिया हमने, नीचे है फ्री और पेड, सो इट्स फ्री, फ्री वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जो है क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्या है, डिक्लेरेशंस जो हैं ये दोनों सेलेक्ट करनी है, ये उसी के नीचे हैं, ये चीज़ का ख्याल रखना है, इसी के नीचे ये आती हैं, ये और ये डेवलपर और प्ले ऐप, तीन है यहाँ पे, ये दो हैं लेकिन ये जैसे कि लेआउट चेंज हो चुकी, तो तीन है, तीनों करने के बाद तीसरा ऑप्शन क्रिएट ऐप, ये क्रिएट ऐप का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक हो गया। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप पे जो क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, मूव देंगे, ये कहेंगे मेन स्टोर लिस्टिंग, ये पूरा डैशबोर्ड है और मेन स्टोर लिस्टिंग पर हमने आना है। ये क्रिएट ऐप होने के बाद ये हो गया, और यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे जो पैनल है मेन स्टोर लिस्टिंग कहाँ पे है, देखना पड़ेगा, स्टोर प्रेफरेंसेस, हाँ स्टोर प्रेजेंस ग्रो के अंदर जाके, ये स्क्रीनशॉट के अंदर भी कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगी, ये ग्रो मेन स्टोर लिस्टिंग, और ये मेन स्टोर लिस्टिंग पे हमने क्लिक कर दिया। ये क्लिक करने के बाद ये चीज़ खुल गई, इधर हमने नेक्स्ट स्टेप कर देना है, स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स लेके वो आपको हर चीज़ बताते होते हैं, तो यहाँ पे नीचे आ जाना है आपने, जब नीचे आना है तो ये ऐप नेम और ये हर चीज़ लिखी हुई आ रही है, यहाँ पे फुटबॉल ये वाला हमने कॉपी, यहाँ पे इसको आप रिप्लेस कर दें, ये वाला उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट, नीचे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करते जाना इनको। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या चीज़, ग्राफिक्स के अंदर, यहीं पे इसके नीचे ग्राफिक्स,
आइकन अपलोड करना है। अपलोड क्या करना है, ये डाउनलोड आइकन यहाँ पे ऑप्शन आया खड़ा है, ये अक्सर लोग यहाँ भूल जाते हैं भाई यहाँ क्या अपलोड करना है। तो ये जो ब्लू कलर का हुआ खड़ा है इसको हम दबाएंगे तो ये कोई चीज़ इनकी जो फाइल है ये डाउनलोड होगी मेरे पास। मैं आपको अपने डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आई थिंक दिखा सकूँ तो हाँ, ये डाउनलोड फोल्डर, ये डाउनलोड हो गई है। तो इस डाउनलोड हुई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अपलोड दबाएंगे, ये आइकन ग्राफिक्स का ये हो गया, अपलोड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, सेव नहीं करना अभी यहाँ पे, ये सेव अभी नहीं दबाना। 512x512 पिक्सल्स होनी चाहिए लेकिन वो कम है, तो हम इसको अभी चेक कर लेंगे, एडिट कर देंगे। यहाँ पे आके पेंट रिसाइज, ये इसको 512 और ये एस्पेक्ट रेशो को ख़त्म करके 512, ठीक है, या 515 आई थिंक करना था, मैंने थोड़ी सी कम कर दी है, लेकिन नो इशू। इसको दोबारा से हम रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं कि ये अब लगती है कि नहीं लगती है, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ था अभी अप टू 1 MB 512 पिक्सल्स बाय 512 पिक्सल्स, ठीक है, ये अपलोड हो गई है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, डाउनलोड फीचर ग्राफिक्स एंड अपलोड इट एज इट शोन ऑन द पिक्चर, ये पिक्चर है, इसको हमने डाउनलोड किया, ठीक है, ग्राफिक्स, फीचर ग्राफिक्स आई थिंक यही वाली है, फीचर ग्राफिक्स एंड अपलोड इट टू एज शोन ऑन द पिक्चर, मेन स्टोर लिस्टिंग अपलोड, ये दूसरी एप्लीकेशन की फ़ोटो, इसको अपलोड कर रहे हैं हम, ये अपलोड हो रही है। और नहीं, ये भी 1024 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स, ये थोड़ी सी इनकी ये टेंशन है कि ये जो है पिक्चर सही तरह से जो हमें नहीं दे रहे हैं। 1024 बाय, यहाँ से हम दोबारा देख लेंगे कितनी है, बाय 500 पिक्सल्स, 124 500, सो इसको 1024 500 सेव, इसको सेव करके अभी इसको हम रिप्लेस दोबारा से कर देंगे। ये पिक्चर्स देने में थोड़ा सा इन्होंने आज गलती की आई थिंक, इस वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है। ये अपलोड हो गई, ठीक है, अपलोड होने के बाद नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे। यहाँ पे 6 पिक्चर्स दी हुई हैं, 6 स्क्रीनशॉट्स हैं, और ये कहाँ पे अपलोड करें, डाउनलोड स्क्रीनशॉट्स फॉर द फ़ोन, अपलोड स्क्रीनशॉट्स फॉर द फ़ोन कीपिंग द ऑर्डर विच इज़ स्टेटेड इन द डाउनलोड लिस्ट, 1 2 3 4 5 6, इसी सीक्वेंस में हमने जो है इसको वहाँ पे अपलोड भी करना है। 2 ये 3, ये चौथी डाउनलोड स्टार्ट होगी, ये 5वीं, ये 6ठी, ठीक है, 6 पिक्चर्स जो हैं ये हमारे पास डाउनलोड हो गई और ये ऑर्डर में है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 6 की 6 हमने जो है अपलोड करनी है उससे अगले ऑप्शन में, से अगला ऑप्शन कौन सा है, फ़ोन स्क्रीनशॉट्स के अंदर। तो फ़ोन स्क्रीनशॉट्स के अंदर हमने यहीं से इसको पकड़ के इधर ले जाना है, 6 क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये हो जाएंगी अपलोड, अगर इनकी रेशो वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट दी हुई है तो, अगर नहीं दी हुई तो फिर इशू आएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट थी। टैबलेट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या कहा है, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे फिर 6 पिक्चर्स हैं, ठीक है, और ये भी 6 की 6 वही होंगी सेम, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, सेम चीज़ वही, ये देखें 3840 पिक्सल्स, ये मेरे ख्याल कर लेनी चाहिए हमें डाउनलोड एक दफ़ा से, ये भी हम करते हैं, और ये 1 ये 2 ये 3 4, वीडियो पूरी देखना, पूरा प्रोसीजर समझना है, तो अगर स्क्रीनशॉट देख के आप खुद कर लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसी ऑर्डर के अंदर इसको भी अपलोड करना है जिस ऑर्डर में वो अपलोड किए हैं, हाँ ये वाली और तरह थी, ये और तरह से हैं, सो ये इस ऑर्डर में आ गई इस तरह से, और इनको हमने अपलोड करना है एपवर्क, ये मेन स्टोर लिस्टिंग टैबलेट वाली हैं, ये वाली 6 ये 6 पिक्चर्स ऐसे इसी ऑर्डर में सेलेक्ट कर देंगे, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। नेक्स्ट है 10 इंचेस टैबलेट स्क्रीन, इसकी पिक्चर्स भी होंगी, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अपलोड स्क्रीनशॉट फॉर द 10 इंच टैबलेट्स, जो पीछे हमने डाउनलोड किए हैं वही लगानी है, ठीक है, ये 6 लग गई,
और यही 10 इंचेस वाले टैबलेट पे भी यही वाली हमने, उन्होंने कहा जी यही आप इसी ऑर्डर में जो है अपलोड कर दीजिए। सो ये हम अपलोड कर रहे हैं। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेव। अपलोड करके हमने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ये सारी हो गई, ये क्रोम वाली नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद हमने क्लिक कर दिया सेव पे, ये हो गया सेव। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है मोर सेटिंग का। मोर सेटिंग में उसी ग्रो के अंदर नीचे है स्टोर सेटिंग, ये सेव हो गया। ये है स्टोर सेटिंग, ये आपके सामने मैंने ओपन कर दी। गेम सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पहले ऐप ने ऐप और गेम, गेम कैटेगरी एडिटेड है, ठीक है। सो कैटेगरी जो है इसको यहाँ से एडिट करेंगे, ये एडिट का ऑप्शन है राइट साइड पे। ये गेम और ये एडिट सेव, ठीक है। ये दोनों सेव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पुट योर ईमेल, ये भी वहीं स्टोर लिस्टिंग में है। इसको सेव करके हम क्लोज करेंगे। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें, यहाँ पे ईमेल देना है और एक्सटर्नल मार्केटिंग पे हमने सेलेक्ट करना है। ईमेल हमारा क्या है, जो हमने रजिस्टर किया है, जिस पे हमने ये ऐप वर्क का अकाउंट बनाया, ठीक है। ये और फ़ोन नंबर नहीं हमने दिया, देना चाहे तो फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। इसको सेव करने के बाद एक्सटर्नल लिंक को ओके, एक्सटर्नल मार्केटिंग को, और फिर सेव को क्लिक कर देना। ये ऑटोमेटिक सेव हो गया क्योंकि ये लेआउट नया है, तो इस वजह से उनके पास थोड़ा सा पुराना खड़ा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेव हो गया हमारा, साथ ही हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्शन रिलीज़ के अंदर है। वो ग्रो था, ये रिलीज़, इसमें प्रोडक्शन है। ये ग्रो इसमें था, ये रिलीज़, रिलीज़ के अंदर ये प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाले ऑप्शन को ओके कर लेंगे। और भी क्लिक किया है लेकिन ओपन नहीं हुआ, हो जा भाई। रिलीज़ ओवरव्यू, इंटरनेट का इशू थोड़ा सा। रिलीज़ ओवरव्यू के बाद हमने ये प्रोडक्शन में आ गया, ठीक है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कंट्रीज़ एंड रीजन। पहले प्रोडक्शन ओपन किया, कंट्रीज़ एंड रीजन, ऐड कंट्रीज़ एंड रीजन, ठीक है। कंट्रीज़ एंड रीजन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे है, ऐड कंट्रीज़ एंड रीजन, ऐड। ये आ गई सारी कंट्रीज़। अब इससे पूछते हैं कौन कौन सी कंट्री जो है वो हमने ऐड करनी है। ऑल कंट्रीज़ पे सेलेक्ट करना है आपने। अगर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा हो ऑल का, तो ओके। ये ऑल का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वैसे हाँ, ये यहाँ पे ऑल पे, इस पर करके इस पर हमने दबा दिया, सब आ गई। ऐड कंट्रीज एंड रीजन, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेम चीज़ है, सेव कर देना आपने, ठीक है। ये टारगेटेड होगी, सेव होगी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। रिलीज़ डैशबोर्ड, अब यहीं पे है रिलीज़ डैशबोर्ड, पहले वाला ऑप्शन। क्रिएट न्यू रिलीज़, इस पर क्लिक कर दो। ये क्रिएट न्यू रिलीज़ उन्होंने क्लिक करवाया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उन्होंने कहा जी अपलोड करनी है फाइल, डाउनलोड फाइल। ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, ख्याल रखना है यहाँ पे। ये फाइल है हमारे पास, ये फाइल डाउनलोडिंग पे लग गई है। 7.3 MB की फाइल है, AA फाइल है, ठीक है। ये बड़ी फाइल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो ख्याल रखना है। ये शुक्र है छोटी फाइल आई है, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाते हुए अगर बड़ी लंबी फाइल आ जाती है 1.5 GB की, तो काफ़ी पंगा पड़ जाना था, लेट हो जानी थी हमें वीडियो में, ठीक है। सो ये अपलोड करने का ऑप्शन, और यहाँ पर ये फाइल A.AA मेरे पास फाइल आ गई है। इसको मैं करता हूँ अपलोड, ये .AA फाइल सेलेक्ट की, ओपन। ये अपलोडिंग पे लग गई, ठीक है। अपलोड करके नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या है। 5.5 यानी कि पाँचवा, रिलीज़ नेम, रिलीज़ नेम क्या लिखना है। मेक श्योर दैट द लाइन इज़ फिल्ड, क्लिक सेव। ये लाइन ऑटोमेटिक फिल्ड होनी चाहिए, वो कह रहे हैं रिलीज़ नेम जो है ये अभी जब अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। सो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 7.0 समथिंग की फाइल थी, बहुत ज़्यादा लंबी फाइल नहीं है। कितने हैं, 7.25 MB की। सो ये अभी अपलोड हो जाती है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे रिलीज़ डेट ये हो गया अपलोड, ये 1.3.0.5। ये दबाने के बाद उन्होंने कहा जी सेव पे अब दबा दें। जब ये फील्ड हो, ये फील्ड है, ये नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा आई थिंक, ठीक है। ये सेव का ऑप्शन अभी नहीं आया। टू वार्निंग्स एंड ये कंप्लीट डिक्लेरेशन, ये चीज़ें अभी करने वाली हैं, तो इनको हम जो है यहाँ पे बैक आके नेक्स्ट की बजाय सेव एज ड्राफ्ट भी नहीं हो रहा, अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा,
ये सिलेक्ट करके यहाँ पे स्क्रीन लेआउट और ऐप बंडल, गो टू डिवाइस कैटेगरी, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये हमें और आगे क्या ऑप्शन बता रहा है। सेव का ऑप्शन बताने के बाद इसने हमें नेक्स्ट स्टेप करके चेक कर लेंगे। डैशबोर्ड पे मूव करना है, ऐप एक्सेस, ठीक है। ये प्रीव्यू और ये कुछ रोले आ रहे हैं, रोले आने दें, कोई मसला नहीं, हमने तो उन्हीं के हिसाब से किया है। यू मस्ट डिक्लेयर एडवर्टाइजिंग प्ले कंसोल, ठीक है, हम उनकी मानते हैं। डैशबोर्ड पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे जाके ऐप एक्सेस करते हैं। पहले डैशबोर्ड पे आ गए, ऐप एक्सेस क्लिक करो इसको, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसने हमें कहा है जी, ऐप एक्सेस ओपन करने के बाद पहले स्टेप पे ऑल फंक्शंस इज़ अवेलेबल विदाउट एनी एक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस, दूसरे नंबर पे है सेव, तीसरे नंबर पे है डैशबोर्ड वापसी जाने के लिए, तीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के बाद वही एड्स, डैशबोर्ड पे आके एड्स, ये सारे स्टेप्स हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। यस माय ऐप कंटेन्स एड्स, नहीं, एड्स कंटेन नहीं कर रही। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ, नो माय ऐप डोंट सेव और बैक, नो सेव, सेव होने के बाद बैक, ठीक है। इसका अगला स्टेप कौन सा है, अगला स्टेप है जी कंटेंट रेटिंग, ठीक है, कंटेंट रेटिंग, ये कंटेंट रेटिंग ओपन कर लिया। यहाँ हमें ये कह रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चनरीज, ये क्वेश्चंस क्वेश्चनरीज हमने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पुट योर ईमेल कैटेगरी गेम, पुट योर ईमेल, यहाँ आप अपना ईमेल लगाएंगे, मेरे वाला नहीं लगा देना, ये ख़ास ख्याल रखना, ये ना हो कि आप लोग मेरे वाला ईमेल लगा दो और आपको फ़ायदा ना हो, ठीक है। कैटेगरी गेम, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में यस नो और वायलेशन और ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, ये नेक्स्ट हम दबाएंगे, ओके, नो नो टू थ्री, नेक्स्ट एंड सेव का ऑप्शन दबा रहे हैं, नो नो, ये सारे आई थिंक नो नो ही करने होंगे। इससे आगे हम चलते जाते हैं, वायलेंस फियर और जितने पूछेंगे, लैंग्वेज एंड प्रिंट ऑफेंसिव लैंग्वेज नो, कंट्रोल सब्सटेंस नो, क्रूड हमर नो, नो शेयर करंट प्राइस लोकेशन नो, नो सेव, नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आया, इट मींस हमें सारी क्वेश्चनरीज जो हैं वो देनी पड़ेंगी, ठीक है ये। और अब नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, योर रेटिंग वगैरह और ये सब कुछ आ गया है, कंटेंट रेटिंग, कंटेंट रेटिंग और ये हर चीज़ आ गई। अब सेव, उधर सबमिट का ऑप्शन है लेकिन यहाँ सेव का ऑप्शन है, सो हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये हो गया जी हमारा सेव या सबमिट, जो भी कह सकते हैं आप। दोबारा से आई थिंक डैशबोर्ड ऐप कंटेंट, यस ऐप कंटेंट, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे है ये ऐप कंटेंट, हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसने कहा जी टू डू के अंदर स्टार्ट, टू डू में स्टार्ट होगा, यहाँ टू डू टू डू टू डू टू डू सेव डिक्लेरेशन नीड अटेंशन, और ये नहीं है, यहीं पे टू डू के अंदर ये सारी एडवर्टाइजिंग आईडी और टू डू प्राइवेसी पॉलिसी स्टार्ट करनी, प्राइवेसी पॉलिसी ये स्टार्ट करनी, सॉरी मैं टू डू गई जा रहा था, प्राइवेसी पॉलिसी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ये इनकी प्राइवेसी पॉलिसी की फ़ाइल खड़ी है, यानी कि लिखा हुआ जो कॉन्टेंट भी है उनका, इसको आप करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ आप कर देंगे पेस्ट, देन सेव, ठीक है। ये सेव का ऑप्शन है जिस पर दो लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, डैशबोर्ड टारगेट ऑडियंस, ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी हमने सेव कर दी। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे जाने के बाद प्राइवेसी टारगेट ऑडियंस, सॉरी टारगेट ऑडियंस, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, फ्रॉम 18 ईयर्स ओल्ड 16 टू 70, ठीक है, फ्रॉम 18 एंड ओवर, सॉरी मैं भूल गया, फ्रॉम 18 ईयर्स ओल्ड 16 एंड 17, ये दोनों, ठीक है, नीचे वाले नहीं हैं, ये दबा के नेक्स्ट पे दबाना है, ये नेक्स्ट हमने दबा दिया,
फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो ऐप वर्क से हम साथ साथ देखते जा रहे हैं, टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट, इसमें ये दूसरा ऑप्शन है स्टोर प्रेजेंस, स्टोर प्रेजेंस यस और नो का ऑप्शन कौन सा इन्होंने लगाया, नो है या यस है, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो जा रहा है, नो नो को क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है ये अब हमें क्या कह रहे हैं, सेव करने का ऑप्शन, कहाँ से सेव करने का ऑप्शन, जस्ट सेव का ऑप्शन है भाई, सेव ये दे, ये सेव कर दिया, इधर से हमने फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है नेक्स्ट स्टेप इसको ओपन कर लिया, डैशबोर्ड न्यूज़ ऐप्स, ठीक है, फिर डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और न्यूज़ ऐप्स, ठीक है, नो पे ही क्लिक करना होगा आई थिंक, जहाँ तक है न्यूज़ ऐप तो नहीं है इनकी, तो ये तो गेम है ना, तो डैशबोर्ड के बाद नो न्यूज़ ऐप नो एंड सेव एंड बैक नो सेव डैशबोर्ड, ठीक है, फिर से वही सीक्वेंस जैसे चल रहा है, डैशबोर्ड में जाके हमने सारे स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करना है, कोविड 19 वाला ओपन करेंगे, ये कोविड 19 इसमें पहला स्टेप है लास्ट वाला आई थिंक उन्होंने लिखा, माई ऐप इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर कोविड 19 ऐप ट्रेसिंग और ETC, सेव डैशबोर्ड, ठीक है, सेव फिर डैशबोर्ड वापस चले गए, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, फिर डैशबोर्ड के अंदर है डाटा सेफ्टी, यहाँ पे ये डाटा सेफ्टी इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे भी कोई ऑप्शन होगा डाटा सेफ्टी जो भी है इसको करेंगे नेक्स्ट 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 स्टार्ट, ये जो चीज़ें भी हैं इसको हमने कर दिया नेक्स्ट, एक नेक्स्ट करने के बाद आगे क्वेश्चनरीज हैं तो उसको हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा है, हमें क्या दबाना है, नो एंड नेक्स्ट, ये नो डाटा कलेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड देन नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हम जाके उसको देखेंगे कि हमें क्या कह रहे हैं स्क्रीनशॉट के अंदर, तो ये सब कुछ हो गया, बस सेव का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, ठीक है, सेव, ठीक है, सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन, थोड़े स्टेप्स बाकी रह गए हैं बस, गवर्नमेंट ऐप, अच्छा जी डैशबोर्ड के अंदर जाके फिर गवर्नमेंट ऐप एक और पंगा भी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऐप्स, ये गवर्नमेंट ऐप्स हमने ओपन कर लिया और ये नेक्स्ट स्टेप इसका है नो एंड सेव, नो सेव, ये हमारा सेव हो गया, इधर से नेक्स्ट स्टेप हम खोलते हैं, 26 नंबर वाला स्टेप कौन सा है, एडवर्टाइजिंग आईडी, ऐप कंटेंट, इसके अंदर आप जाएंगे नीचे लास्ट पे, ऐप कंटेंट को हम ओपन करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है जी स्टार्ट, स्टार्ट को हमने दबाना है, ये स्टार्ट को दबा दिया हमने और यहाँ पे यस और नो ऑप्शन फिर आ रहे हैं डिक्लेरेशन के, सो हमने क्या करना है नो एंड सेव, ये नो एंड सेव, अब नेक्स्ट स्टेप जो है आखिरी स्टेप पे आ चुके हैं, इसके पांच स्टेप्स हैं ये आपके साथ साथ चल रहे हैं, डैशबोर्ड रिव्यू एंड रोल आउट द रिलीज़, डैशबोर्ड डैशबोर्ड में आके रिव्यू किधर गया, सॉरी मैं इधर देख लूँ ज़रा, पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल ऐप्स, पब्लिश योर ऐप, यहाँ क्रिएट अ पब्लिश क्रिएट एंड पब्लिश अ रिलीज़, यहाँ पे लिखा है इस ऑप्शन से आइकन से आप समझ सकते हैं कि क्या वो कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, रिव्यू एंड रोल आउट द रिलीज़, सेंड द रिलीज टू गूगल फॉर रिव्यू, सेम चीज़ है, ठीक है, कन्फर्म द रिलीज़, इसको आई थिंक पहले क्लिक करना पड़ेगा रिलीज़, नेक्स्ट स्टेप पहले रिव्यू करना है ना, रिव्यू और फिर एडिट रिलीज़, रिव्यू किया, रिव्यू करने पे हमें एडिट रिलीज़ का ऑप्शन मिल गया, एडिट रिलीज़ करके नेक्स्ट स्टेप, इन्होंने यहाँ पे हमसे क्या करवाया है रिव्यू रिलीज़, ये रिव्यू ही कर रहे हैं भाई, ये रिव्यू हो गई, नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू ही हो रहा है ना, ठीक है, ये रिव्यू करने के बाद थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है स्टार्ट रोल आउट एंड प्रोडक्शन, यानी कि ये हमने कर दिया सेव, रिव्यू हो गई है, ठीक है, रिव्यू होने के बाद रिलीज़ डैशबोर्ड, सॉरी रिलीज़ डैशबोर्ड पे नहीं जाना था, रिलीज़ गो टू पब्लिश ओवरव्यू या ऐप कंटेंट पे वापस आ जाते हैं वहीं पे, क्योंकि प्रोडक्शन सॉरी प्रोडक्शन के अंदर हमने जाना है, प्रोडक्शन 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 कहाँ पे थी, ये है प्रोडक्शन, रिलीज़ के अंदर प्रोडक्शन और मोस्ट रिसेंट, इसको हमने प्रोडक्शन के लिए जब भेजना है तो यहाँ रिलीज़ ओपन करके गो टू पब्लिशिंग
ओवरव्यू, ठीक है, पब्लिशिंग ओवरव्यू के अंदर जाके हमने उसको ओपन कर दिया, सेंड 14 रिव्यूज़ फॉर वो जो भी उन्होंने कहा है ये टेस्ट के लिए ये। हाँ, प्रोडक्शन में जाके रिलीज़ पे जाके फॉर प्रोडक्शन के लिए हमने ओके करके सेंड 14 चेंजेस फॉर रिव्यू, सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू, यानी कि हम पब्लिश करने के लिए इसको रिव्यू करने के लिए उनको हमने गूगल को भेज दिया। अब ये भेजने के बाद ये हर चीज़ चली गई है, ये जो चीज़ मांग रहे हैं इसका अब जो स्क्रीनशॉट देना होता है ये एक चीज़ है, इन अ गूगल प्ले कंसोल मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ पब्लिश्ड ऐप सो द स्टेटस पेंडिंग पब्लिकेशन इज़ विजिबल एज इट इज़ शोन ऑन द पिक्चर। ठीक है, सबसे ऊपर ऑल ऐप्स पे चले जाओ, ऑल ऐप्स पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से इन रिव्यू में। अब इसका आपने सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है, प्रिंट स्क्रीन कर लेंगे जो भी आपने करना है, और ये वाला स्क्रीनशॉट आपने बना लेना है। ये स्क्रीनशॉट मेरे पास हो गया सेव PNG 18, इसको हमने यहाँ पे कर देना है अपलोड। ये मैंने कर दिया इसको जी सेलेक्ट करके ओपन, ये अपलोड हो गया स्क्रीनशॉट इन रिव्यू और ETC जो भी ऐप स्टेटस वगैरह सब कुछ, कंप्लीट द टास्क। ठीक है, अब जब ये कंप्लीट हो गया उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग द असाइनमेंट आफ्टर पब्लिशिंग द ऐप ऑन गूगल प्ले एंड चेकिंग द असाइनमेंट यू विल रिसीव योर रिवार्ड। ठीक है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 25 मिनट हमें लगे हैं, वीडियो बनते तो 25 मिनट हो गए। द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिमूव्ड, ये क्यों लिखा गया है, ऐप स्टेटस द टास्क हैज़ करंटली बीन चेक्ड बाय आवर मॉडरेशन। अच्छा अच्छा, ये वैसे ही लिखा हुआ है, ये तकरीबन कह रहे हैं जी 7 डेज लगेंगे टास्क डिटेल्स, वेट फॉर द ऐप एप्लीकेशन अप टू 7 डेज, ये एक दो दिन में हो जाता है, उसके बाद 2 दिन ये लेते हैं चेक करने के लिए, चेक करने के बाद आपका जो ये है ये आ जाता है आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस, और आप इसको जो है फिर विड्रा कर सकते हो। विड्रा करने का मैंने आपको पहले भी आई थिंक बताया था कि हाँ ये ड्राफ्ट में पड़ी है, कोई टेंशन नहीं, इन रिव्यू में है, कोई मसला नहीं है, ये ओके खड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ये हो जाएगी। होने के बाद विड्रा फंड्स के अंदर आपके पैसे जब यहाँ पे अवेलेबल आ जाएंगे, तो यहाँ पे अवेलेबल आने के बाद USDT के अंदर आप जो है अपना बाइनांस के अंदर या कॉइन बेस के अंदर, बाइनांस के अंदर भी निकाल सकते हैं, किसी को समझ ना आ रही हो तो मुझसे रब्ता करके पैसे निकलवा सकते हैं। बाइनांस आईडी आप मेरी ले लीजिएगा, TRC ID जो है ट्रॉन की, USDT ट्रॉन की ID TRC20, इसका वॉलेट एड्रेस देना, कोई और देगा पैसे गुम ना कर लेना, या अपना वो एड्रेस देना या फिर मेरा एड्रेस लेके उस पर आप लोग विड्रा कर सकते हो और मुझसे पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे विड्रा की रकम लिखोगे कितनी है वो लिख के, इशारिया नहीं लगता, ठीक है, यहाँ पे इशारिया नहीं लगेगा, जितनी भी होगी 4000 जो भी हो वो आप लिख के तो आप जो विड्रा कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा, वीडियो की समझ भी आ गई होगी, काम किस तरह से करना है, एप्लीकेशन को आपने पब्लिश किस तरह से करना है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।